हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में इतनी देर से क्या है, और ये बेसिकली एक ट्यूब लाइट है, और ट्यूब लाइट तो नहीं बोलूंगा, इसका नाम है एनर्जी ट्यूब। तो बेसिकली एक RGB ट्यूब लाइट है, जिसमें आपको CCT यानी आपको बाई कलर जो वाइट एंड येलो कलर होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में इसमें आपको RGB का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने अभी इसको ऑन कर दिया है एंड यू कैन सी ये एक बहुत ही पावरफुल लाइट है गाइस। तो मैं एक बार ही इसको RGB डाल के दिखाता हूँ आपको। लेट मी पुट इट ऑन, देखिए। सो दिस इज़ क्रेजी गाइस। तो बहुत ही कूल लाइट है और बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी में आती है। मैंने इसे ख़रीदा है और अभी हाल फिलहाल मैंने एक ही खरीदी क्योंकि मेरा बजट इतना ही था। अभी मैं और भी खरीदूंगा, मैं इसको तीन खरीदने वाला हूँ क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, और ये तीन लाइट्स को आप कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी सिंगल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर योर वीडियो शूटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। तो आजकल ट्रेंड है RGB लाइट्स का, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया RGB लाइट्स में। ये मेरी चौथी RGB लाइट जो मैंने खरीदी है, और अभी मेरे पास ढेर हो गया RGB लाइट्स का। तो मैं अपने सेटअप में बेसिकली यही यूज़ करने वाला हूँ। मैं बेसिकली मूव ऑन कर रहा हूँ मेरी ट्रेडिशनल लाइट से, तो ये मेरी की लाइट बनेगी। और मेरे पास फिल लाइट के लिए एपर्चर वाली MC लाइट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, तो वो मैंने अभी कनेक्ट करी हुई है वहाँ पे। तो फिल लाइट मैं एपर्चर यूज़ करूँगा और की लाइट मैं इसको यूज़ करूँगा। इसके साथ साथ मैं डेफिनेटली प्रोडक्ट वीडियो शूट करते टाइम पे ये डेफिनेटली बहुत ही यूज़फुल लाइट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। लाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस ही होती है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप कहाँ कहाँ पे इस लाइट को यूज़ कर सकते हो। इसमें बाय द वे मैग्नेट भी है, तो ये इस तरीके से चुंबक की तरह चुपक भी जाती है, कहीं पे भी चुपक सकती है लाइक दिस। तो ये मेरे मेटल का स्टैंड है, उस पे चुपक गई है, निकल जा। हाँ, निकल गई। सो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड कि आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट गाइस स्टार्टेड। सो एज आई टोल्ड यू गाइज ये लगभग आपको 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी, और मैंने आपको बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ। एज आई टोल्ड मैंने गलत बोल दिया, तो 10,000 की कॉस्ट करेगी। और इसकी जो साइज़ एंड लेंथ है, यू कैन सी ये मेरे हाथ के बराबर की है, हाथ का जो हाफ मैं ले लूँ उसके बराबर की है, तो काफ़ी बड़ी है साइज़ में। और इतनी बड़ी होने के बाद भी इट्स वेरी लाइट वेट। और इसके साथ साथ में इसमें यहाँ पे बैटरी लगती है बैक साइड, तो इस बैटरी को आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसेबल बैटरी है। और ये चार्ज होती है, तो आपको बैटरी लगाने की हमेशा बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। चार्जेबल है, टाइप सी से चार्ज होगा। ऑन ऑफ का बटन है, दो बटन्स बने हुए हैं जिसके थ्रू आप इंटेंसिटी और मोड्स को कंट्रोल कर सकते हो। पीछे एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तो साथ साथ में ये बॉक्स जब आप खरीदेंगे तो इस बॉक्स के अंदर ये आएगी, बड़ा ही नॉर्मल सा बॉक्स है, ठीक है। और इसकी जो CRI रेटिंग है लाइट की, दैट इज़ 98, तो काफ़ी अच्छी CRI रेटिंग है। और एज आई मेंशन अर्लियर, अगर आप एक प्रोफेशनल लाइट खरीद रहे हैं वीडियो के लिए, तो CRI रेट ज़रूर देख लीजिए, जिससे कलर एक्यूरेसी के बारे में पता लगता है। तो हाँ, ये इस पाउच मिलेगा आपको साथ में, ठीक है। और इसके साथ में इसका यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको बॉक्स में से। हाँ, एक यूज़र मैनुअल है, और इसके लिए इसके साथ साथ में 3M वाले वो स्टिकर्स हैं मेटल वाले, अगर आपको कहीं इसको चिपकाना वुकाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक टाइप सी वाली केबल है, और एक एक्स्ट्रा बैक साइड का फ्लैप है। तो ये सब कुछ बॉक्स में मिलता है, तो इसके अलावा और बॉक्स में कुछ है नहीं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी लाइट गाइस। सो दिस लाइट इज़ रियली गुड। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं आगे की तरफ प्लास्टिक एंड ऊपर की तरफ भी प्लास्टिक के जॉइंट हैं, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। बट इसको थोड़ा संभाल के, ऑब्वियसली ज़मीन वमीन पर गिराना मिराना नहीं है, तो गिरने से तो ऑब्वियसली हर लाइट टूट जाती है। मैंने एक ऑलरेडी तोड़ दी है इससे पहले भी, तो थोड़ा संभाल के यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लाइट। और एज आई टोल्ड यू, इसमें मैग्नेट है, तो इसको मैं चिपका सकता हूँ लाइक ऐसे, और माइक्रोफोन में बेसिकली आवाज़ आई होगी, तो कहीं पे भी आप इसे चिपका सकते हो, जहाँ पे भी आप अगर इसको स्टैंड पे माउंट नहीं करना चाहते हो, आपके पास स्टैंड नहीं है माउंट करने के लिए, तो अच्छी चीज़ है इसमें। बाकी नीचे कोटर थ्रेड मिल जाएगा, कोटर थ्रेड वाला माउंट, तो आप इसको माउंट कर सकते हो, ठीक है। देन लेट मी ऑन दिस, एक सेकेंड लेगी। यहाँ मोड्स बने हुए हैं, देन आप मोड्स में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायल्स हैं, तो मैं इसको प्रेस करके एंड देन मोड चेंज कर सकता हूँ। यू कैन सी मल्टीपल मोड्स पे आ गया, और ये एक कैंडल मोड है, बहुत ही डिसेंट टाइप के कलर्स आपको देगी। जैसे मैंने बताया, इसका CRI रेटिंग काफ़ी अच्छा है, 98 प्लस का CRI रेटिंग है, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे आपको कलर्स इसमें मिलेंगे। और ठीक है, एंड देन सम अदर मोड्स आर आल्सो देयर। दिस इज़ दी RGB मोड, तो अगर आप कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें बहुत काम आएगा। एंड देन ह्यू का ऑप्शन है, सो अगर आपको खुद से कोई भी स्पेसिफिक कलर को यूज़ करना हो तो दैट ऑल्सो यू कैन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी
लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, अब जो भी कलर चाहिए आप उस कलर में इसको यूज़ कर सकते हो। एंड देन मेरा जो फेवरेट रहेगा दैट इज़ ए CCT मोड, जो कि नॉर्मल मोड है जिसमें आप यू नो केल्विन डिग्री को एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हो कि आपको येलो लाइट चाहिए, टंगस्टन चाहिए या फिर आपको वाइट लाइट चाहिए। तो वो कंट्रोलेबल है, वो इट्स ऑल अबाउट योर कंट्रोल, आप कैसे इसको कंट्रोल करना चाहते हो। तो फॉर वीडियो प्रोस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड लाइट, अगर आप यू नो म्यूजिक वीडियो शूट करते हो, आपको बैकग्राउंड में कुछ लाइट डालनी है। मैं तो बेसिकली इसको मेरे यूट्यूब सेटअप में यूज़ करूँगा और मेरी जो प्रोडक्ट वीडियोज़ शूट करूँगा उसमें मैं इसे काम में लेने वाला हूँ। ओवरऑल ये मेरे उसी चीज़ के पर्पज़ में काम आएगी, बट मैं अगर कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी तो मैंने एक ही लिए, बट मैं दो और खरीदूंगा क्योंकि ये इंटरकनेक्ट हो सकती है, जैसे मैंने बताया आपस में तीनों कनेक्ट होकर के, एंड इट विल बिकम अ बिग ट्यूब लाइट। और उन तीनों के अलग अलग कलर्स को यूज़ करके और आप कहीं पे भी यू नो बैकग्राउंड में आपने प्लेस कर दिया एंड आपने कोई ऑब्जेक्ट लाइट के तौर पे यूज़ कर लिया इसे, तो काफ़ी कच्चा यू नो इसका यूज़ होगा जब आप इसे यू नो अगर मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव से मल्टीपल पर्पसेस में यूज़ करोगे। तो ये जो लाइट्स होती है ना गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल यू नो प्लेसेस पे, मल्टीपल टाइप से। जैसे मैं इसे पोर्ट्रेट शूट कर सकता हूँ अगर मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, तो इसकी पावर काफ़ी अच्छी है, तो पावर का इसको यूज़ करके मैं आउटडोर में बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकूँगा। एंड देन कलर एक्यूरेसी और जो फ्लिकर विकर होता है ना स्लो मोशन में, वो इस लाइट में नहीं आने वाला क्योंकि ये स्पेशली मेड फॉर वीडियो लाइटिंग है, तो इसमें फ्लिकर नहीं है और साथ साथ में जो हम लोगों को कलर एक्यूरेसी थी वो मिल जाती है। तो गाइज मैंने इन RGB लाइट्स को यूज़ करके कुछ फोटोज़ भी क्लिक करी, इनके सैम्पल शॉट्स आप देख रहे होंगे और कितनी क्रिएटिव इमेजेस क्लिक हुई हैं आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला गाइज, इन लाइट्स को यूज़ करके आप बहुत ही क्रिएटिव फोटो और वीडियो शूट कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्हें यूटिलाइज करना चाहते हो। तो RGB लाइट को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी यू नो डिफरेंट टाइप की स्टोरीज अपने वीडियोज़ और फोटोज़ में बना पाओगे जब आप इन्हें क्रिएटिव वे में यूज़ करोगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लाइट, आई कैन हाईली रिकमेंड यू, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखे हैं बाय द वे, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। एंड स्टे ट्यून्ड गाइज एंड कीप शूटिंग।